ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी मध्य स्थिति में है। पहली कंडीशन है कि मान लीजिए कि पॉइंट चक्रीय क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि रीजन का एक्सट्रीम सैचुरेशन पॉइंट है और एक्सट्रीम कट ऑफ पॉइंट है, उसके ठीक बीच में अगर पॉइंट लाई कर रहा है कहीं पर, उस स्थिति में अगर आपने इस टाइप का कोई इनपुट सिग्नल दे रखा है तो ये इनपुट सिग्नल इक्वली पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में इक्वली एम्पलीफाई होगा और प्रोपोर्शनली एम्पलीफाई होगा। जिस हिसाब से इसमें वेरिएशन होगा उसी अकॉर्डिंग सब में हर एक पॉइंट पर इक्वल वैल्यू का एम्पलीफिकेशन मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। यानी कि सिग्नल जो है आपका प्रोपोर्शनल आउटपुट में आपको मिलेगा और उसका डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कट ऑफ पॉइंट की तरफ क्यू पॉइंट की सर्कल किया जाता है तो क्या स्थिति होगी, आपको नेगेटिव साइड जो है वो क्लिक कर जाएगा, ठीक। और अगर आपने ये ऑपरेटिंग पॉइंट पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर गया तो आपका पॉजिटिव हाफ साइड क्लिक कर जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है क्यू पॉइंट अगर बार बार आपको मूव करेगा तो सिग्नल जो है प्रोपोर्शनल रूप में एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, जो हमें चाहिए वो या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्लिक हो पाएगा या नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, क्यू पॉइंट हमारा हर हाल में अपनी जगह पर स्थिर हो और एक्टिव क्षेत्र के मध्य बिंदु पर ही टिका रहे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करेंगे। पहले तो देखेंगे क्या क्या कारण है जिससे क्यू पॉइंट मूव करता है, अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, और फिर देखेंगे कि उसको कैसे रिमूव किया जाए। देखिए ट्रांजिस्टर के बायसिंग और सब क्यू पॉइंट के बारे में देखते हैं। ट्रांजिस्टर के बायसिंग की क्यों आवश्यकता होती है, ताकि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के रूप में प्रॉपरली यूज कर सकें। यानी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करने के लिए ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बायसिंग अत्यंत आवश्यक है। प्रॉपर बायसिंग से मतलब यह है कि जो हम इनपुट में बायसिंग वोल्टेज दे रहे हैं जंक्शन जे ईबी एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना, तभी आप ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देख चुके हो, कॉन्फिगरेशन में भी देख चुके हो, तो इसलिए बायसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बायसिंग आपने कर दी, उसके बाद अब बारी आती है क्यू पॉइंट की। डीसी लोड लाइन में भी आपने देखा था कि क्यू पॉइंट हमारे पास स्टेप एक्टिव क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए, लेकिन क्यू पॉइंट को कुछ एक कारक है जो प्रभावित करते हैं और उसको स्टेबल नहीं रहने देते हैं। कौन कौन से कारक है, ट्रांजिस्टर का एक पैरामीटर परिवर्तन होना और दूसरा कारक है ताप में परिवर्तन। ट्रांजिस्टर के पैरामीटर की अगर बात करें तो हमने अल्फा और बीटा पैरामीटर्स पढ़ रखे हैं। अब ये कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, अगर मान लीजिए इसमें ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है और अगर आपने ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया सर्किट के अंदर तो नया ट्रांजिस्टर आ जाएगा, तो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया। आपने ट्रांजिस्टर अगर बदल दिया सर्किट के अंदर तो भी आपका ट्रांजिस्टर पैरामीटर बदल गया, तो सर्किट में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बीटा बदल जाएगा। बीटा बदलने से आपका जो क्यू पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने आईसी की इक्वेशन देखेगी आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीबी हो, तो उस समीकरण में आपने देखा था बीटा का रूट प्ले हो रहा था और ये जो आउटपुट थी। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक ताप में परिवर्तन, अब ताप में परिवर्तन कैसे प्रभावित करता है, अगर आपका आपको पता है कि आउटपुट जो करंट होती है वो दो पार्ट के मिलकर के बनती है, एक इनपुट करंट का कुछ पार्ट और कुछ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी करंट से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट को करती है वो, उसको हम लीकेज करंट नाम देते हैं। तो ताप में परिवर्तन जो है ये इस आईसीबी को बहुत प्रभावित करता है, ये थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी करंट है 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीबी। तो जैसे जैसे अब ताप में परिवर्तन होगा तो ICPO बढ़ेगी, ICPO बढ़ेगी, तो इस टर्म में देखो आप ये पूरा टर्म यहाँ से अगर ये वाला सेक्शन पूरा बढ़ गया तो IC बढ़ जाएगी। IC बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप सर्किट में देखते हैं ये वाले जंक्शन JCB पर ताप बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ा जंक्शन का तो लीकेज हर IC में वृद्धि हुई और ICPO वृद्धि हुई तो IC का मान बढ़ गया। IC का मान बढ़ने से जो जंक्शन पर डिसिपेशन हो रहा था पावर का वो बढ़ जाएगा, पावर डिसिपेशन बढ़ने से अगेन टेम्परेचर राइज।
एसिड पुनः बढ़ेगी तो पुनः पावर डिसिपेशन बढ़ेगा और पुनः ताप बढ़ेगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यूस बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, इसको हम बोलते हैं थर्मल रनअवे। ये केवल आपको पीडीटी में मिलता है थर्मल रनअवे। बाई कंडक्शन में थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम आती है, और इससे बचने का तरीका यह है कि इसमें हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जो ट्रांजिस्टर के पीछे एक मेटेलिक क्लिप टाइप की लगी होती है, और कुछ ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे कि ऐसा बना होता है, और यहाँ पर आपको एक होल सा मिलेगा, ऐसा कुछ दिखाई देता है। इधर मल्टीपल ब्लैक कलर की और यहाँ पर होल सा बना होता है, देखा है ट्रांजिस्टर वहाँ देखा लैब में। तो ये पूरा पिछला सेक्शन मेटेलिक लगा होता है, और ये यहाँ पर होल भी दे देते हैं। इससे क्या है, एनवायरनमेंट में एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो हीट सिंक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि ये थर्मल रनअवे कंडीशन ना आए। क्योंकि ये कंडीशन आएगी कि अगर थर्मल रनअवे कंटिन्यूस चलता रहा तो जंक्शन आपको बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। तो ये दो समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपका ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट जो है अनस्टेबलाइज जाता है, अस्थिर रहता है। तो हमें किसी न किसी प्रकार से ऐसे बायसिंग सर्किट बनाने पड़ेंगे, किसी प्रकार से बायसिंग की टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, जिससे कि हम इन दोनों समस्याओं से निजात पा सकें, ताकि क्यू पॉइंट हमारा एक्टिव क्षेत्र के मध्य में रह सके, जिससे ट्रांजिस्टर एनर्जी एम्पलीफायर हम बढ़िया से प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार से बायसिंग करेंगे।